गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसाइफोनिया शैवाल है जिसमें कि बहुत सारे बहुअक्षीय, जिसे हम कहते हैं, कोशिकीय संरचना होती है, इसलिए इस शैवाल का नाम पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें एक सेंट्रल साइफन और एक पेरीसेंट्रल साइफन, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि लंबी बेलनाकार एवं एक केंद्र की होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति दो परतों में विभेदित होती है। इनकी बाहरी परत पैक्टिन पदार्थों से तथा भीतरी परत सेल्युलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में अनेक परिधीय डिस्कॉइड यानी कि बिंबाब क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, परंतु इनमें पायरेनॉइड्स का अभाव होता है। समीपवर्ती कोशिकाएं पिट कनेक्शंस के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। कोशिका द्रव्य में फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ग्रोथ, पॉलीसाइफोनिया की वृद्धि सेंट्रल साइफन यानी कि केंद्रीय साइफन की गुंबदाकार शीर्षस्थ कोशिका द्वारा होती है। इस कोशिका में नियमित अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप अक्ष की कोशिकाएं अन्य कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिकाएं लंबी होकर सेंट्रल साइफन बनाती हैं। इनमें से कुछ सब टर्मिनल सेल्स वर्टिकल डिवीज़न करती हैं जिसके फलस्वरूप पेरिफेरल सेल्स का निर्माण होता है। रिप्रोडक्शन, पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में यानी इसके लाइफ साइकिल में तीन डिफरेंट टाइप के थैलस पाए जाते हैं। फर्स्ट एसेक्सुअल थैलस, जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट भी कहते हैं। ये थैलस डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से डेवलप होते हैं। इनमें जननांग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। इनमें टेट्रास्पोरेंजिया बनती हैं। इन बीजाणुओं में अचल यानी कि नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है। गैमेटोफाइट, ये थैलस अगुणित प्रकृति के होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। पॉलीसाइफोनिया की अधिकांश जातियाँ मोनोइशियस होती हैं, अर्थात इनमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग गैमेटोफाइट पर डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल गैमेटोफाइट पर स्पर्मेटेंजिया का डेवलपमेंट होता है तथा फीमेल गैमेटोफाइट पर कार्पोगोनिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है कार्पोस्पोरोफाइट, इनका विकास यानी इनका डेवलपमेंट डिप्लॉयड जाइगोट द्विगुणित युग्मन से होता है। ये थैलस डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। इनमें द्विगुणित कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। कार्पोस्पोरोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल मेथड से होता है। तो पॉलीसाइफोनिया में तीन तरह के गैमेटोफाइट, तीन तरह के थैलस पाए जाते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट एंड कार्पोस्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप होती है जिनमें कि टेट्रास्पोर्स बनते हैं। सही, गैमेटोफाइट्स में स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट होता है जिनसे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन एंड देन फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं जिनसे कि आगे चलकर कार्पोस्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और ये कार्पोस्पोरोफाइट कार्पोस्पोरेंजिया बनाते हैं जिनमें कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं।
बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पॉलीसाइफोनिया में अलैंगिक जनन टेट्रास्पोर्स के द्वारा होता है। ये बीजाणु द्विगुणित थैलस में उपस्थित टेट्रास्पोरेंजिया में विकसित होते हैं। ये बीजाणुधानियाँ गोल सव्रन संरचनाएं हैं और इनका विकास पेरिसेंट्रल सेल्स से होता है। फर्टाइल पेरिसेंट्रल कोशिकाएं टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल कहलाती हैं। उसी लेयर की अन्य पेरिसेंट्रल कोशिकाएं से अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। यह कोशिका वर्टिकल डिवीजन द्वारा दो डॉटर सेल्स बनाती है तथा बाहर की ओर जो सेल बनती है उसे हम कवर सेल कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल सेल से दो तरीके की सेल बनी है, बाहर की ओर कवर सेल और भीतर की ओर स्पोरेंजियल मदर सेल का निर्माण होता है। आवरण कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर दो से अधिक आवरण या कवर सेल्स बना लेती हैं, जबकि स्पोरेंजियल इनिशियल मदर इनिशियल सेल अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा नीचे की ओर एक स्टॉक सेल और ऊपर की ओर एक स्पोरेंजियल सेल का निर्माण करती हैं। और डायग्राम में देख सकते हैं स्टॉक सेल और स्पोरेंजियल सेल। स्पोरेंजियल सेल के हमाप में कई गुना वृद्धि होती है तथा यह टेट्रास्पोरेंजियम के रूप में फंक्शन करने लगती है। इस बीजाणुधानी का द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मियोसिस के द्वारा चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। इसके बाद बीजाणुधानी का जीव द्रव्य भी चार यूनिन्यूक्लिएट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तथा प्रत्येक खंड एक अगुणित बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। बीजाणुधानी में ये बीजाणु टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये चार टेट्रास्पोर्स हैं जो कि टेट्राहेड्रल टेट्राड फॉर्म में अरेंज है। इसमें तीन सामने की ओर है और एक टेट्रास्पोर पीछे की तरफ अरेंज रहता है। इनके टेट्रास्पोर्स का विमोचन या लिब्रेशन बीजाणुधानी की भित्ति फटने तथा समीपवर्ती आवरण कोशिकाओं के अनुदैर्ध्य सतह से अलग हटने पर होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी में उत्पन्न चार टेट्रास्पोर्स में से दो मेल गैमेटोफाइट तथा दो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये था पॉलीसाइफोनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि टेट्रास्पोरोफाइट के द्वारा होता है। और ये टेट्रास्पोरोफाइट थैलस पर टेट्रास्पोरेंजियम डेवलप होती है जिनमें कि हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स बनते हैं और ये चार हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स से दो मेल गैमेटोफाइट और दो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप होते हैं और फर्दर स्पर्मेटेंजिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पोगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।